केंद्रीय सरना स्थल सिरमपुरी में कार्तिक उराव की जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम में बाबा कार्तिक उराव के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लिया गया। 3 बार सांसद और 1 बार विधायक रहे कार्तिक उराव की आज जयंती है। कार्तिक उराव ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आदिवासियों की जमीन लूट के खिलाफ आंदोलन किया था। गुमला जिला के लिटाटोली गांव में 29 अक्टूबर 1924 को जन्मे कार्तिक उराव देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के कहने पर राजनीति में कदम रखा था। कार्तिक उराव का 98वीं जयंती को अवसर पर सभी झारखंड वासियों को हम जोहार करते हैं और आज हम लोग सिरमटोली में यहाँ आए हुए हैं। सिरमटोली में आज उनका ही देन है कि सिरमटोली सरना स्थल बचा हुआ है। 60 के दशक में जो काम किए, 67 में जो बचाए हैं, सिरमटोली को नया शुभारम्भ किए, हम लोग का जो सरहुल यात्रा का जो शुरुआत किए, तो हम लोग कार्तिक उराव सर के ही देन थे जो बहुत कुछ किए हम लोग के लिए समाज के लिए। जहाँ तक समाज की बात है तो समाज के लिए हम लोग के लिए शिक्षित से लेकर जितना आगे बढ़ाने तक का काम किए हैं, बहुत सारा काम किए हैं जो संगठित करने का काम किए हैं, उन्हीं का देन था कि आदिवासी विकास परिषद बनाए, जो भारत लेवल में बनाए थे सभी सांसदों और विधायकों को लेके, जो आदिवासी सांसद और विधायकों को लेके। और जहाँ तक हम लोग के यहाँ HSC का बात है तो HSC में भी वो आए चीफ इंजीनियर बन के और वहाँ का आर्किटेक्ट करके बहुत चीज वहाँ किए हैं, एक जगह दिए हैं वो झारखंड में HSC के एक सम्मान के तौर पर देखा जाता है उनको। मगर एक चीज़ है वहाँ जो HSC के लिए उतना कुछ करके गए हैं, मगर एक चीज़ है कि HSC के द्वारा एक भी गोल चक्कर में अपने क्षेत्र में एक भी उनका स्टेचू नहीं बन पाया, एक दुख की बात है। हम तो HSC प्रबंधक से कहना चाहेंगे कि उनके नाम से जो भी चौक चौराहा का नामकरण किया गया है, कम से कम एक स्टेचू वहाँ लगाया जाए। हम लोग को साकार करने की जरूरत है और सीधा सीधी हम कहेंगे कि उसके दिखाए रास्ते पर, उसके कदमों पर हम लोग को चलने की जरूरत है। यही का हम झारखंड वासियों को हम संदेश देना चाहते हैं, अपने आदिवासी भाई बहनों को संदेश चाहते हैं कि एक जगह मजबूत से एक संगठन में मतलब मजबूती से एकता का परिचय दे और एक रहे और अपना हक अधिकार के लिए लड़ते रहे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।